गंगा संवाद यात्रा का 37वां दिन हमारे गुरु गोविंदाचार्य जी ने कहा कि दुनिया के जिस भाग में सर्वाधिक समय तक समिति और संस्कृति का अखंड प्रभाव देखा गया है उसी का नाम है भारत। धर्म अर्थ काम और मोक्ष से संपन्न यहाँ का समाज विविधता और एक रस्ता का अनूठा संगम है। अविरल गंगा निर्मल गंगा का प्रवास के लिए सबका योगदान आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के तत्वाधान में शुरू हुई गंगा संवाद यात्रा केन गोविंदाचार्य जी का स्वागत सफीरपुर पहुंचने पर विधायक बंबा लाल दिवाकर, पूर्व चेयरमैन सफीरपुर हरिशरण लाल, नगर पंचायत चेयरमैन नुगु अनुज कुमार दीक्षित, बीजेपी नेता सनत कुमार गुप्ता, कमल किशोर दीक्षित, सतीश चंद गुप्ता, राकेश तिवारी, श्रीकांत तिवारी, प्रोफेसर धर्मेंद्र प्रताप सिंह, सभासद नीरज सैनी, समाज सेवी सुनील चौरसिया, सभासद राजू चौहान, नीरज कुशवाहा, लक्ष्मी नारायण, ग्राम प्रधान सराय सकान राजू पाल, सौरभ शुक्ला, प्रधानाचार्य रेखा, प्रमोद दीक्षित ने भव्य स्वागत किया। गंगा संवाद यात्रा सुबह 10 बजे सफीरपुर बाजार से होते हुए कचहरी होते हुए प्राचीन मोटेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के बाद सकहन राजपूत गांव और ग्राम परिहार में रात्रि विश्राम की। गंगा संवाद यात्रा के सहयात्री वासुदेवाचार्य बदारस, जीव कांझा राष्ट्रीय संयोजक नदी संवाद, सचिन गुप्ता दिल्ली, संजय शर्मा, विवेक त्यागी बिजनौर, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता सुबूही खान दिल्ली, कृष्णवीर सिंह, अजय सिंह महाराष्ट्र, उज्ज्वल कुमार झा, उपेन्द्र तेवतिया बुलंदशहर, रिंकू नावदेव मध्य प्रदेश, ललित झा आदि शामिल हुए। माँ गंगा के घाट चले, हमें चाहिए अविरल गंगा, हमें चाहिए अविरल गंगा, हमें चाहिए निर्मल गंगा, हमें चाहिए अविरल गंगा, हमें चाहिए अविरल गंगा, हमें चाहिए निर्मल गंगा, हमें चाहिए।